Now we are going to discuss section 10 of the CRPC. Section 10 is about the subordination of assistant sessions judges. Now a question might arise in your minds that why we have not mentioned subordination of additional sessions judges. So for your kind information, we must inform you that sessions judge having equal power as to the additional sessions judge. सेशंस जज की जो पावर्स हैं वो एडिशनल सेशंस जज के इक्वल है, बट देयर इज ऑल्सो अ लैकुना इन द पावर्स ऑफ एडिशनल सेशन जज. उसमें लैकुना क्या है कि ये इक्वल हैं इन द केस ऑफ जुडिशियल पावर्स. देखिए जब वो जुडिशियल पावर्स एक्सरसाइज करते हैं तो दे आर हैविंग इक्वल पावर्स सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज, बट देयर इज ऑल्सो अदर काइंड ऑफ पावर्स. वो क्या है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स. जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की बात है, इन दैट केस दे आर नॉट ऑन द सेम फुटिंग. अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात करें तो सेशन जज इज सुपीरियर टू द एडिशनल सेशन जज, बट इफ यू टॉक अप टू द जुडिशियल पावर्स तो सेशन जज की पावर जो है एडिशनल सेशन जज की पावर के समान है, बराबर है, इक्वल है. लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में ऐसा नहीं है. कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट ऑन बाइफर्केशन द पावर्स आर डिफरेंट, बट इन द केस ऑफ जुडिशियल पावर दे आर सेम. तो इसीलिए हमने सबोर्डिनेशन ऑफ एडिशनल सेशन जज नहीं पढ़ा, बल्कि हम सबोर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज की बात कर रहे हैं. सबसेक्शन फर्स्ट इज ऑल असिस्टेंट सेशन जजेस. ऑल असिस्टेंट सेशन जजेस शैल बी सबोर्डिनेट टू द सेशन जज इन हूज कोर्ट दे एक्सरसाइज ज्यूरिस्डिक्शन. जिस भी कोर्ट में असिस्टेंट सेशन जज ज्यूरिडिक्शन एक्सरसाइज करते हैं वो सभी सेशंस जज की अधीन होंगे, सबोर्डिनेट होंगे, उसके अंडर होंगे. उनकी पावर सेशंस जज की पावर से कम होगी और वो उसके अधीनस्थ कर्मचारी या अधिकारी होंगे, अधीनस्थ अधिकारी होंगे असिस्टेंट सेशन जजेस. वर्ड सेल इज यूज देयर मीनिंग देयर बाय प्रोविजन इज मैंडेटरी. सबसेक्शन टू इज द सेशंस जज मे कर सकता है, मे डायरेक्टरी प्रोविजन है. फ्रॉम टाइम टू टाइम समय समय पर मेक रूल्स, रूल बना सकता है, नियम बना सकता है कंसिस्टेंट विद दिस कोड. और जो रूल मेकिंग पावर है उसके ऊपर देखिए एक लगाम है, और लगाम किस चीज की है, कंसिस्टेंसी. और कंसिस्टेंसी किसकी, सीआरपीसी. यही सीआर, देखिए सीआरपीसी कहीं भी अगर आप वर्ड कोड आपको लिखा मिलता है तो इसका मतलब क्या है, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात हो रही है. वैसे इसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहा जाता है. तो इसलिए जरूरी है कि रूल मेकिंग जो पावर है उसके ऊपर एक लगाम है, और वो कंसिस्टेंसी की लगाम है. और कंसिस्टेंसी किसके साथ होनी चाहिए, सीआरपीसी के साथ, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की. कंसिस्टेंसी में रहते हुए समय समय पर सेशंस जज रूल बना सकता है किसकी रिगार्डिंग, एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग सच असिस्टेंट सेशंस जजेस. ये जो असिस्टेंट सेशन जजेस हैं इनमें बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कार्य का वर्गीकरण कैसे हो, क्लासिफिकेशन कैसे हो, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि कौन सा कार्य है या किस नेचर के बिजनेस कौन सा असिस्टेंट सेशन जज करेगा,
समय समय पर इसके रिगार्डिंग सेशन जज रूल बना सकता है। तो रूल मेकिंग पावर इज टू द सेशन जज। द सेशन जज में ऑल्सो मेक प्रोविजन फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन। रूल बना सकता है किसके रिगार्डिंग, किसी अर्जेंट एप्लीकेशन के डिस्पोजल के रिगार्डिंग। देखिए पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा, सेक्शन 9 में आपने देखा होगा कि वहां हाई कोर्ट किसी अर्जेंट एप्लीकेशन की डिस्पोजल के लिए किसी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज को अपॉइंट कर सकता है। लेकिन इस केस में सेशन जज भी किसी अर्जेंट एप्लीकेशन की डिस्पोजल के लिए अगर वो कोर्ट में नहीं है, अब्सेंट है या टू टर्म्स आर यूज्ड हियर, इन द इवेंट ऑफ हिज अब्सेंस और इनएबिलिटी टू एक्ट। अब्सेंस का मीनिंग क्लियर है, ही इज नॉट इन द कोर्ट, दैट इज अब्सेंस। इनएबिलिटी टू एक्ट इज अ ब्रॉड टर्म, इनएबिलिटी टू एक्ट और दिस इज अ ब्रॉड टर्म, और इसमें बहुत सी चीजें हो सकती हैं। इनएबिलिटी के बहुत कारण हो सकते हैं, जैसे इलनेस, ड्यू टू एनी अदर सच रीजन कि वो प्रेजेंट नहीं हो सकता, नहीं कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकता, तो दैट्स व्हाई इनएबिलिटी इज अ ब्रॉड टर्म। बाय एन एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज, अगर कोई अर्जेंट एप्लीकेशन है और सेशन जज इज हैविंग, तो उस केस में इनएबिलिटी के कारण या अब्सेंस के कारण वो किसी असिस्टेंट सेशन जज या एडिशनल सेशन जज को अपॉइंट कर सकता है उस अर्जेंट एप्लीकेशन के डिस्पोजल के लिए कि साहब आप इस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करें। और इन एनी केस इफ देयर बी नो एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज, तो उस केस में सीजेएम को पावर है, जैसा हाई कोर्ट कर सकता है सेम पावर माइट बी एक्सरसाइज बाय सेशन जज, तो वहां सीजेएम होगा। एंड एवरी सच जज और मजिस्ट्रेट, सच जज और मजिस्ट्रेट एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज, सच जज एंड सच मजिस्ट्रेट सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी डीम्ड टू हैव ज्यूरिडिक्शन टू डील विद एनी सच एप्लीकेशन। उस केस में अगर कोई असिस्टेंट सेशन जज या कोई चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस पावर को एक्सरसाइज करते हुए जो एक सेशन जज के पास होती है किसी एप्लीकेशन को जो अर्जेंट थी डिस्पोज ऑफ कर देता है, तो ऐसा माना जाएगा कि सीजेएम और असिस्टेंट और एडिशनल सेशन जज वाज हैविंग ज्यूरिडिक्शन, कि उनके पास उस समय अक्षेत्राधिकार था, ज्यूरिडिक्शन था और उसी के अधीन उन्होंने उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ किया है। मीनिंग देयर बाय इनएबिलिटी या अब्सेंस के कारण, किसकी अब्सेंस के कारण, सेशन जज की अब्सेंस के कारण अगर कोई असिस्टेंट एडिशनल या सीजेएम किसी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करता है तो उसको विदाउट ज्यूरिडिक्शन नहीं कहा जा सकता, उसको ऐसा नहीं, उसको इस बेस पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि असिस्टेंट एडिशनल और सीजेएम वाज नॉट हैविंग ज्यूरिडिक्शन एंड दे हैव डिसाइडेड द एप्लीकेशन विदाउट ज्यूरिडिक्शन। तो दैट थिंग इज मेड क्लियर अंडर सबसेक्शन 3। In this way, we have discussed section 10 of the CRPC fully. Enjoy the lecture. Thank you.